सेंसन कोर्ट ने मोदी उपनाम को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने राहुल को दोषी करार करते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता पर भी संकट गहराने लगा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि डरी हुई सत्ता की पूरी कमिश्नरी साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं न कभी डरेंगे, सच बोलते जिए हैं, सच बोलते रहेंगे और देश की आवाज लोगों के लिए उठाते रहेंगे। कंगना रनौत की लव लाइफ काफी दिलचस्प रही है। एक्ट्रेस ने एक बार एक साइंटिस्ट को डेट किया था। वो नहीं जानता था कि कंगना एक एक्ट्रेस है। कंगना ने बताया था कि उनका रिश्ता सिर्फ 2 हफ्ते ही चल पाया क्योंकि वो एक्ट्रेस से शादी करना चाहता था और कंगना इसके लिए राजी नहीं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की तरह राजगढ़ में भी दरबार लगाकर पर्चे बनाए जा रहे हैं। यह दरबार बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के शिष्य हनुमत दास लगा रहे हैं। हनुमत दास का कहना है कि उन्होंने गुरु धीरेन्द्र शास्त्री से दीक्षा ली है, इसके बाद दरबार लगाने लगे।